amid the ongoing political war of words between Congress and Bharatiya Janata Party. A perpetrated video of leader of opposition and Congress leader Rahul Gandhi has ignited a new controversy in which he can be seen referring to the sacred Pran Pratishtha ceremony at the Ram Mandir as being like a dance event or Nach Gana event. That is what he has stated. The video has provided fresh ammunition for those targeting Gandhi over his stance on Hinduism and its deities, further fueling debates around his views on religious practices. In this video, Gandhi expressed his concerns about the Pran Pratishtha, where the idol of Lord Ram was consecrated in the temple. He criticized the event for prioritizing celebrity invitations over representatives from marginalized communities. Meanwhile, Bharatiya Janata Party has hit back at him and they have said that he has disrespected Hindu religion. Let's in fact listen in. Allow nahi aapko. Uske baad Amitabh Bachchan ko bula liya, Adani ko bula liya, Ambani ko bula liya, kisi ek mazdoor ko nahi aane diya. आपने किसी बढ़ाई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं. डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है. ये रियलिटी आपकी. अलाउ नहीं आपको. उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया. आपने किसी बढ़ाई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं. डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है. ये रियलिटी आपकी. अलाउ नहीं आपको. पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट. हिंदुओं का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान? और इसी तर्ज पर बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का अपमान करती है. आज जब राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय, मतलब जो एक पवित्र आयोजन था, उसके समय डांस गाना हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, डांस पार्टी थी वो. राहुल गांधी ये वही व्यक्ति है जिसकी पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा. ये वही पार्टी है जिसने कहा कि राम मंदिर लटकाओ अटकाओ भटकाओ और वकील भेज दिए कोर्ट में. ये वही पार्टी है जो हिंदू टेरर कहती है. ये वही पार्टी है जो कहती है कि कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया अर्जुन को. ये वही पार्टी है जिसके सहयोगी कहते हैं सनातन समाप्त कर देंगे, रामचरितमानस को गालियां बकते हैं, कहते हैं राम मंदिर बेकार है, हिंदू धर्म धोखा है. ये वही पार्टी है जो हिंदू को हिंसक कहती है और मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं ये कह देती है. हिंदू आस्था पर करो. माय कॉलीग मनोहर केसरी इज ऑन द टेलीकास्ट विद अस. मनोहर, राहुल गांधी हैज स्टर्ड अनदर फ्रेश कॉन्ट्रोवर्सी, हैज एम्ब्रॉयल्ड हिमसेल्फ इन, एंड ही हैज कॉल्ड द प्राण प्रतिष्ठा इवेंट अ डांस लाइक इवेंट, एंड ही हैज ऑल्सो स्लैम्ड दैट ओनली सेलिब्रिटीज वर इन्वाइटेड. मीन वाइल भारतीय जनता पार्टी हैज स्लैम्ड हिम over his opinion on Hindus and its deities. This is a political war of words that has erupted. What can you tell our viewers about that? देखिए, बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो राम प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी को, उसे लेकर के अटैक किया है. अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में इस तरह के बयानबाजी को लेकर के पॉलिटिकल वॉर शुरू हो गया है. राहुल गांधी ने जो बात कही कि राम प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किस तरह से नाच गाना हो रहा था, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन क्या किसी गरीब मजदूर और किसानों को वहां पर बुलाया गया था, बढ़ई को बुलाया गया था? तो इस तरह का अटैक करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा. अब इसे लेकर के बीजेपी के नेताओं ने अटैक किया है और उनका ये कहना है मनोहर, वी हैव विद अस तहसीन पूनावाला, ही इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट. Tehsin, now there is a political war of words that has erupted between Bharatiya Janata Party after leader of opposition and Congress leader Rahul Gandhi. He called the Pran Pratishtha ceremony as a quote unquote that is Nach Gana event. He called it a dance like event. And now Shehzad Poonawalla has slammed him over his opinion, over his what he stated on the Pran Pratishtha ceremony. Look, I think
श्री राहुल गांधी जी वाज मेकिंग अ लार्जर पॉइंट अबाउट हाउ दे मस्ट बी इक्वालिटी इन सोसाइटी एंड समथिंग विच इज सो बायस एंड सो डीपली कनेक्टेड टू अस एंड आवर ब्यूटिफुल हेरिटेज द राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा शुड बी अ मोर शुड वाज अ पोलिटिकल द बीजेपी ट्राइड टू पोलिटिकली हाईजैक दैट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे हैव लॉस्ट the Lok Sabha elections in Ayodhya. I think that's the larger point he was trying to make, and I think that is the point that we must focus on. Ultimately, it is about we the people and citizens of India, equality and egalitarian society. Ultimately, what did Prabhu Ram give us? He gave us an egalitarian society. We draw Article 14 from Prabhu Ram, right to equality. We draw Article 19 from Prabhu Ram, Article 21, right to life from Prabhu Ram. That is why we call beautiful governance Ram Rajya, and that is what he was trying to say. There was also Ravan who had a kingdom of gold, but we don't emulate his Rajya. And that's what I'm trying to say. A fake model put out by the BJP should not be emulated or trying to politically hijack such a pious event. I think that is what you should focus on. Tehsin, as you have said that this there's a larger picture here. So do you think that, you know, what BJP is trying to do is a diversionary politics just before of election? There are elections underway in Jammu and Kashmir and Haryana. So is this a diversionary politics at play? Of course it is. The BJP can do nothing but Hindu, Muslim, Mangal Sutra, Machi, Mutton. These are the only things that the BJP can indulge in. Beyond this, can we have a serious conversation with the BJP on issues that relate to governance and economy, on development? We cannot, because they don't want to address the core issues. That is the fundamental problem. And the core issues of our time is the largest unemployment in the last 40 years, the growing inequality amongst people. The per capita income of India is about $2,200. You remove the top 20%, it falls down to $700. That's akin to African countries. This is what BJP doesn't want to address, and this inequality, which was not there in Ram Rajya, is what Rahul ji is trying to speak about. Tehsin, do you think that the politics that this is what we have seen in the past also, that the main focus rather than on key issues like employment and whether it's related to the economy, those issues are not addressed, but the politics becomes more about religion. It becomes, the focus is more about, you know, the blame game rather than the key issues that should be talked about. Exactly. That is the BJP's core competence to win elections. They don't want to discuss economy, core issues, development, education, jobs. All they want to discuss is religion, religion, religion. Religion is something that they use either to polarize people or they use to bait certain amount of people. But they haven't realized that people of India across religions, across castes, across communities are bored with this. They know that the BJP stands for nothing, none of the core values that it claims to profess. In fact, they masquerade as value holders. The BJP in governance has completely failed the country. The people of Jammu and Kashmir, the great people of Haryana, the people of Maharashtra and Jharkhand following Haryana and Jammu and Kashmir are prepared to send the BJP packing home. All right. Thank you so much for joining Tehsin on the telecast. We have with us Dr. Avdhesh Upadhyay. He's a BJP spokesperson. Dr. Avdhesh Upadhyay, Bharatiya Janata Party has launched a scathing attack at the Rahul Gandhi after his statement the Pran Pratishtha ceremony. What do you think? Why does this come just ahead of elections? देखिए अभी मैं तहसीन को सुन रहा था. तहसीन सुनने वाला जी ये बात कर रहा है कि बीजेपी इकोनॉमी पे बात नहीं करती, रोजगार पे बात नहीं करती, रिलीजन पे बात करती है. ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर चीज में बात करती है. आप देख लीजिए इकोनॉमी की बात करें वो भी आप देख लीजिए इस समय भारत की क्या स्थिति है. आप रोजगार की बात करें वो भी आप देख लीजिए रोजगार में क्या हमने कितना रोजगार दिया है लोगों को. लेकिन बात रिलीजन की जब बात आती है तो कांग्रेस पार्टी ही क्यों हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करती है भाई? कैसे पूने वाला जी इसका जवाब देंगे? यही बात कर रहे थे. हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता आते हैं. आपने देखा होगा स्टेलिन ने क्या कहा था कर्नाटक में, बेंगलोर में, कि हिंदू धर्म तो जो है डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए. तब तो कैसे पूने वाला की जी में मतलब मुंह नहीं खुला था.
मतलब जल जम गया था मुंह में, तैसे तैसे पुणे वाला जी अभी बात कर रहे थे रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं, आज राहुल गांधी जी बात करते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर, जो कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है, उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, नाच गाने की बात कर रहे हैं, डांस हो, भाई किसी ने देखा था वहां पर क्या हुआ है? इससे पहले आपने देखा होगा इसी कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। तो आखिर ये कांग्रेस पार्टी इतना नफरत क्यों करती है हिंदू हिंदू धर्म से? और सुनो, उससे पहले राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहां हिंदुस्तान का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, देशवासियों का अपमान करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिंदू विरोधी पार्टी बन चुकी है देश में। इन्हें केवल केवल, अब आप और बताऊं मैं आपको, हिमाचल में जो चल रहा है तनाव की जो स्थिति बनी हुई है, वो उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी? उसकी उसका जवाब कोई नहीं देगा, ना ही उसकी बात करी अभी तहसील जी ने, उसकी बात करी उन्होंने, हिमाचल की बात नहीं की। उनके समय में वहां पर अवैध नौकरी का निर्माण हो गया। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, राहुल गांधी ने ये भी बोला था कि प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में सेलिब्रिटीज को सिर्फ इनवाइट किया गया है और मार्जिनल कम्युनिटीज के लोगों को जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इनविटेशन नहीं दिया गया है। देखिए राहुल गांधी जी की मैं बता रहा हूँ ना, राहुल गांधी जी को अद्दा पता नहीं होता, उन्हें अपना ही नहीं पता, ना उनकी पार्टी को उनका पता है कि क्या बोलने वाले हैं राहुल गांधी जी। तो उनकी बात पर तो उनके कांग्रेस पार्टी के नेता विश्वास नहीं करते, वही तो मैं बता रहा हूँ। आखिर ये हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो जहर उगलते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है राहुल गांधी जी और गांधी परिवार में और कांग्रेस पार्टी में इतना नफरत करते हैं हिंदुओं से, हिंदुओं के देवी देवताओं से? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.